तो ईद उल अजहा करीब आते ही लाहौर में भी मवेशी मंडियों की रौनकें बहाल हो गई हैं। मंडियों में गाहक और व्यापारियों के दरमियान जानवर के रेट्स पर बहस और तकरार भी शुरू हो गई है। लाहौर के शाहपुर कांजरा मंडी में क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे जुनेद अहमद इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे मालूम कर लेते हैं। जुनेद, बताइएगा आप कौन सी मंडी में मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त जानवरों के रेट्स की क्या सूरत हाल है? जी हाँ, ईद उल अज़हा जो है वो अब करीब आ रही है और ईद उल अज़हा के करीब आते ही लाहौर की मवेशी मंडियों की रौनकें फिर से बहाल हो चुकी हैं। मवेशी मंडियों के अंदर जो है वो व्यापारी अपने खूबसूरत जानवरों को लेकर आ रहे हैं और इनके रेट्स जो है वो खासे ज़्यादा है। मैं इस वक्त लाहौर की शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ और यहाँ पर भी व्यापारी जो है वो अपने खूबसूरत जानवरों को लेकर आए हुए हैं। मेरे कैमरा मैन इमरान मुख्तार आपको दिखा सके तो ये खूबसूरत भूरे रंग का बैल जो है वो हर किसी की तवज्जो का मरकज़ भी दिखाई दे रहा है और इंतहाई जो है वो सेहतमंद और खूबसूरत किस्म का ये जानवर है। इसके व्यापारी से भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। सर, बताइएगा कि इसको आप क्या खिलाते हैं कि सबसे अलग दिखाई दे रहा है और इसका रेट क्या रखा आपने? इसका 10 लाख रेट है। इसको चारा डालते हैं हरा, इसको आटा, चने का करा और उसके साथ चोकर, ये सादा ही कड़ाना देसी इनू। जी हाँ, यहाँ पर जानवरों के जो है वो व्यापारियों ने काफ़ी आवभगत भी किया, उनकी काफ़ी खिदमत भी किया तो उनके रेट्स भी व्यापारी कहते हैं कि उनकी मनपसंद हो गए। तहम अभी ख़रीदार उस हद तक नहीं आना शुरू है क्योंकि अभी काफ़ी दिन है ईद के अंदर, तो जैसे जैसे ईद मज़ीद करीब आएगी ख़रीदारों का भी यहाँ पर रश दिखाई देगा। तहम मवेशी मंडियों की रौनकें फिर से बहाल हो चुकी हैं। ठीक जुनेद, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया।